फोर्ड ने अभी एस्पायर 2018 फाइनली लॉन्च कर दी है और उसके बारे में अभी हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। उनका डेमो जल्दी हमारे साथ आ जाएगा टेस्ट राइड वाला, जहां पे हम इसके बारे में और डिटेल शेयर कर देंगे। इस वीडियो में हम फोर्ड एस्पायर के सारे चेंजेस और जो भी गाड़ी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि गाड़ी को खास बनाती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। गाड़ी 6 कलर्स में आ रही है और 5 इसके वेरिएंट्स हैं। हम अगर इसके चेंजेस की बातें करें तो इसके अंदर एज सच कोई बहुत ज़बरदस्त चेंज नहीं आया है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द कार, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें अपग्रेड कर दी गई है। जैसे ये 15 इंच के अलॉय व्हील आप देख रहे हैं, पहले 14 इंच के ही आते थे। अगर फ्रंट प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं, नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, लेकिन ये भी आपको देखने में अच्छे लगेंगे। फॉग लैम्प आप देखते हैं तो वो क्रोम की थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ आपको दिखेंगे, तो उस कारण से वो फॉग लैम्प काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ऊपर क्रोम की फिनिशिंग आ जाती है। सामने की ये फॉग लैम्प के साइड का जो कट वाला डिज़ाइन है ये भी अच्छा लगता है अलॉन्ग विद द क्रोम थिंग। अगर हम बात करते हैं ग्रिल की, ग्रिल पे क्रोम फिनिशिंग आ रही है जो कि गाड़ी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाती है। लाइट के अंदर ये क्रोम चमकता है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। हुड थोड़ा सा बल्की सा बनाया है इन्होंने। साइड प्रोफाइल में एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं दिया है फोर्ड ने, और एस्पायर वैसी ही दिखती है जैसे कि पहले भी आ रही थी। आपको बॉडी कलर्ड हैंडल्स मिल जाते हैं और 15 इंच के थोड़े से बड़े अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अगर हम गाड़ी के थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि जो इसके रियर लैम्प्स हैं ये रैप अराउंड टेल लैम्प्स आपको मिल जाते हैं, साथ में एक क्रोम एप्लीक भी मिल जाता है बूट के ऊपर। तो एक क्रोम की लाइन मिलती है सीधी जो फिर से उसको आकर्षक बना लेती है। ऑफ कोर्स पीछे पार्क असिस्ट यानी कि पार्किंग सेंसर प्लस कैमरा भी आ रहा है आपकी बार, जो कि आपको कंफर्ट को और इन्हेंस करता है। आइए गाड़ी के अंदर मूव करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कार एज वेल एज द लुक्स। आप देख सकते हैं अंदर डुअल टोन कलर आपको मिल जाएगा बीज प्लस ब्लैक का। आपका एज सच कोई बड़ा चेंजेज नहीं है पहले से, लेकिन जो काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ रहेगी वो रहेगी इसका इन्फोटेनमेंट। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं थोड़ा सा ब्लैक वाला जो फिनिश है डोर कंसोल के ऊपर, और थोड़ा सा और अंदर मूव करते हुए डैशबोर्ड की क्वालिटी देख लेते हैं जो कि काफ़ी डिसेंट है। बहुत ज़्यादा अप मार्केट या प्रीमियम नहीं लगेगा, लेकिन फिट एंड फिनिश इसका डेफिनेटली अच्छा यूज़ किया है फोर्ड एस्पायर 2018 के अंदर। अभी आप सेंटर कंसोल को देख सकते हैं, सीट्स इसकी नॉर्मल आ रही है, लेदरेट फिनिशिंग के साथ अपोल्स्ट्री नहीं आ रही है इस पर। आपको 2 USB का सॉकेट सामने पे मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, और साथ में खास ये मिलता है टॉप वेरिएंट्स के अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सिंक 3 यूज़र इंटरफेस के साथ है। इसका टच काफ़ी अच्छा होता है, सेम आप फोर्ड फ्री स्टाइल में इको स्पोर्ट में देख रहे हैं। आपको एक डिसेंट ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि कूल ग्लव बॉक्स नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स इल्यूमिनेटेड है। आपको कहीं पे भी या इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे ऊपर सपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरबैग्स इसमें 6 हैं, सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। पीछे की सीट पे अगर हम देखते हैं तो वही आपको डुअल कलर के अंदर सीट्स मिल जाएगी और एक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका 2490 mm का व्हील बेस भी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर हैंडरेस्ट भी आता है। जो 2490 mm का व्हील बेस है वो ये इंश्योर करता है कि अंदर आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाए। तो लेग रूम आपको आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा है, और हेड रूम में एक 6 फिट के आदमी को बैठने में दिक्कत इस गाड़ी के अंदर नहीं आने वाली है। रियर AC इस गाड़ी के अंदर नहीं आता, लेकिन पीछे की सीट कंफर्टेबल है, डिसेंट है। अगर हम बूट देखते हैं 250 प्लस लीटर्स का एक बूट है जो कि बड़ा है, तो ये एक अच्छा काम किया एस्पायर के साथ, क्योंकि फ्री स्टाइल में काफ़ी लोगों ने कहा था कि बूट स्पेस काफ़ी कम है, तो एस्पायर में वो कमी पूरी कर दी है ऑफ कोर्स। तो एक अच्छा बूट मिल जाता है 350 प्लस से थोड़ा शायद ऊपर ही है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम है बेस वेरियंट से ही, ABS, EBD, 2 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स सारे वेरिएंट्स में आ रहे हैं। साथ में आपको टॉप वेरिएंट में कैमरा भी मिल जाता है, और आपको हिल लॉन्च असिस्ट, ESP और TCS ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। और टॉप एंड के अंदर आपको
सिक्स एयरबैग्स का ऑप्शन भी मिलता है, दैट मीन्स द कार इज प्रिटी सेफ। आइए मूव करते हैं सबसे बड़े चेंज की तरफ जो कि इस गाड़ी के अंदर हुआ है, वो है इसके इंजन में। अगर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला, पेट्रोल में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही में 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि सिर्फ टाइटेनियम वेरिएंट में ही आएगा। अब अगर 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करोगे, ये इंजन है आपको 1200 सीसी का मिलेगा 96 पीएस की इंप्रेसिव पावर और 120 एनएम की शानदार टॉर्क के साथ। बेस्ड अपॉन द वेरिएंट, ये आपको कंपनी क्लेम करती है 19 से 21 के 20.4 के बीच के अंदर का आपको माइलेज इसमें मिल जाता है। और जो 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ रहा है टाइटेनियम वेरिएंट में, जहाँ पे इंजन 1500 सीसी का है, वहाँ पे आपको 123 पीएस की पावर और 150 एनएम की टॉर्क मिलेगी और 16.3 का आपको माइलेज मिल जाएगा। अगर डीजल इंजन की बात करते हैं, अगेन वो शानदार 1500 सीसी का इंजन है और इसके अंदर आपको 100 पीएस की पावर 215 एनएम की टॉर्क मिल जाती है। पिछले कुछ समय से फोर्ड ने अपनी सर्विस के ऊपर खूब फोकस किया है और इसी फोकस का हिस्सा रहेगा आपकी 5 साल की वारंटी। जी हाँ, 1,00,000 किलोमीटर और 5 साल, विच एवर इज अर्लियर, ये वारंटी दे रहा है फोर्ड, जहाँ पे 2 साल की तो स्टैंडर्ड वारंटी होती है और 3 साल उसको एक्सटेंड कराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये गाड़ी रोड के ऊपर कैसी उतरेगी, कैसी लगेगी चलने में, ये मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।